हेलो स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक नया चैप्टर मोशन इन ए प्लेन इन फिजिक्स वी कैन क्लासिफाई क्वांटिटीज एज स्केलर्स और वेक्टर्स ओके इन फिजिक्स हम क्वांटिटी को एज ए स्केलर और वेक्टर क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिकली द डिफरेंस इज दैट ए डिरेक्शन इज एसोसिएटेड विथ ए वेक्टर बट नॉट विथ एक स्केलर ओके स्केलर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी विथ ए मैग्नीट्यूड ऑनली सो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट विक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डिरेक्शन भी होता है एग्जाम्पल्स आर डिस्टेंस सो एग्ज़ाम्पल्स ऑफ स्केलार्स स्केलर क्वांटिटी का आर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यह है स्केलर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द टेम्परेचर ऑफ़ एन बॉडी ये सब स्केलर क्वांटिटीज में आता है स्केलर्स कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड ओके सो स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाइड कर सकते हैं डिवाइड कर सकते सो इफ़ देंथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर वन पॉइंट जीरो मीटर एंड जीरो पॉइंट फाइव मीटर सो एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ अगर वन मीटर एंड पॉइंट फाइव मीटर होता है ओके रिस्पेक्टिवली दे इट्स पेरीमीटर सो इसका पेरीमीटर क्या होगा पेरीमीटर होगा वन प्लस पॉइंट फाइव प्लस वन प्लस पॉइंट फाइव सो टोटल थ्री सो ये जो लेंथ और ब्रेथ है <coughs> रेक्टेंगल का ये है स्केलर सो so, इसको हम ऐड कर सकते हैं इसीलिए तो so, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो होगा थ्री मीटर सो ये स्केलर्स है सॉरी ए वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ ए मैग्नीट्यूड एंड ए डिरेक्शन एंड ओबेस द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और इक्विवेलेंटली द पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन सो एक वेक्टर क्वान्टिटी में एक्चुअली उसमें मैग्नीटूड भी होता है और डरेक्शन भी होता है और ये वेक्टर क्वान्टिटी ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और इक्विवेलेंटली दैरालेलोग्राम पैरालेलोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन ये फॉलो करता है जब हम किसी वेक्टर को ऐड करते हैं सो ये दो लॉ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ओके सो ए वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाई गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड बाय ए नंबर ऑफ नंबर एंड इट्स डिरेक्शन ओके सो सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर

ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर से, अभी पातलेंथ कुछ भी हो सकता है तो पातलेंथ नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है कि उसका एक डिरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर वी यूज ए बोल्ड फेस टाइप ओके जैसे उसको बोल्ड में लिखा जाता है किसी वेक्टर को ए वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेटेड बाय ए सिंबल वी ओके सो वी को ऐसे बोल्ड में लिखा गया ओके okay. स्केलर को ऐसे नहीं लिखा जाता लेकिन वेक्टर के केस में ऐसे ही इसको बोल्ड में लिखा जाएगा सिंस बोल्ड फेस इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस वेन रिटर्न बाई हैंड ओके ए वेक्टर इज ऑफन रिप्रेजेंटेटेड बाई एन एरो प्लेस्ड ओवर ए लेटर से वी वार सो so बोल्ड कभी कभी लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ओके बोल्ड फेस में लिखना ए वेक्टर इज ऑफन रिप्रेजेंटेटेड बाई एन एरो प्लेस्ड ओवर ए लेटर जैसे इस भी के ऊपर अगर हम एक एरो डाल देंगे तो भी ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ओके दस बोथ ये जो बोल्ड में भी को बोल्ड में लिखा गया ओके okay, इसमें बोल्ड में लिखा गया ये बोल्ड में है भी स्मॉल भी है एक्चुअली ये ओके okay, स्मॉल भी है एंड भी बार रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर ओके okay, दोनों ही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑफन कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यूज इंडिकेटेड बाई ये ऐसे दो लाइन होता है इसको बोलता है मॉड मॉड ऑफ भी ये भी है ये वेलोसिटी वाला बोल्ड में जो लिखा गया ओके ये भी सो भी है मॉड ऑफ भी है ये भी ये है मैग्नी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्चुअली मैग्नीट्यूड ओके अगर हम खाली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड द इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू सो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको लिखना चाहिए अगर ये दो लाइन नहीं होता होगा तो होना चाहिए वो मैग्नीट्यूड प्लस डिरेक्शन सो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है इसको ओके सो पोजिशन एंड डिसप्लेसमेंट वेक्टर्स टू डिस्क्राइब पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए प्लेन वी नीड टू चूज ए कन्वीनियंट पॉइंट से ऑरिजिन से ओ एस ओरिजिन ओके सपोज ओ एस ओरिजिन लेट पी एंड पी बा पी प्राइम बी द पोजिशंस ऑफ ए ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी एंड टी प्राइम ओके सो यह ओरिजिन है सभी सपोज पी एन पी प्राइम है पी है टाइम टी, टी में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके और ये है सपोज ये पोजीशंस है एक्सिस ये पोजीशन है ये टाइम है सो टी स्मॉल टाइम टी में इसका पोजीशन है पी और टी प्राइम में पोजीशन है पी प्राइम ओके रिस्पेक्टिवली वी जॉइन ओ एंड पी बाय ए स्ट्रेट लाइन अभी हम ओ और पी को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं ओके देन ओ पी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी सो ओ पी है पोजिशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी ओके एंड एरोज मार्क एट द हेड ऑफ द ऑफ द लाइन सो यहाँ पे इस लाइन के टॉप में एक एरो दिया गया इट इज रिप्रेजेंटेडेड बाई ए सिम्बल आर सो ये है ये एक सिम्बल आर से इसको रिप्रेजेंट किया गया ओके ये ओ पी को ओके okay. दैट इज ओ पी इजल टू आर ओके पॉइंट पी बा प्राइम इज रिप्रेजेंटेड बाई अनादर पोजिशन वेक्टर ओ पी प्राइम डिनोटेड बाई आर प्राइम सपोज ये है आर प्राइम ये बोल्ड में होगा अनदर पोजिशन वेक्टर ये है आर ओ पी है आर और ओ पी प्राइम है आर प्राइम ओके

एज सीन फ्रॉम है तो सो इसका जो डिरेक्शन है ये पी का जो डिरेक्शन है वो से पी की तरफ जो डिरेक्शन है यही इसका डिरेक्शन है और ये इसका जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड है ओके डिरेक्शन इज द डिरेक्शन इन हुई पी लाइज एज सीन फ्रॉम द अगर ओ की तरफ से हम पी पी की तरफ देखेंगे तो ये जो डिरेक्शन है ये है इसका डिरेक्शन

so it is important to note that displacement vector is the straight line joining the initial and final positions and does not depend on the actual path undertaken by the object between the positions sp and pq the displacement vector is same as pq for different paths जॉइनिंग से पी ए बी सी क्यू अभी अगर हम इसको लेंगे तो इसके केस में सपोज ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सो ये हम अगर हम इसी पाथ से जाए अगर हम ये पाथ फॉलो करें पी ए ओके पी ए बी सी क्यू अगर इस पाथ से जाए या इस पाथ से जाए वो कोई फर्क नहीं पड़ता सो so, ये डिस्प्लेसमेंट भेक्टर इनिशियल पोजिशन मतलब पी और फाइनल पोजीशन मतलब क्यू के ऊपर डिपेंडेंट है ओके okay. या हम मतलब इसमें बताना चाहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी पी प्राइम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड करता है जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ऊपर सो so, अगर हम ये इनिशियल पोजिशन है ये फाइनल पोजिशन है ओके पी क्यू है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो अगर हम इनिशियल थ्रू फाइनल पोजिशन में जाने के लिए अगर हम ये पाथ लेते हैं या ये पाथ लेते हैं या अगर हम ऐसे ये पाथ लेते हैं पी ई एफ क्यू सो सारे पाथ कोई भी पाथ अगर लेंगे सो so, ये फाइनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा ये पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है सो so, यही बताया गया बाय द दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ अंडरटेकन बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पोजिशन एस पी एंड क्यू ओके डिसप्लेसमेंट वेक्टर इज द सेम एस पी क्यू फॉर डिफरेंट पाथ ऑफ जर्नी से पी ए बी पी ए बी सी क्यू पी ए बी सी क्यू और पी बी ई एफ क्यू सो कोई भी पाथ लेंगे तो लेकिन फाइनल और इनिशियल पोजिशन तो पी क्यू ही है सो इनिशियल पोजिशन फी की और पी है और फाइनल पोजिशन क्यू है तो so, ये जो लाइन कनेक्शन करेंगे ये ही वेक्टर है तो so, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही है ओके सो दे आर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इस डिस्प्लेसमेंट इज आयदर लेस और इक्वल टू द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स सो अगर हम इसमें लेंथ अगर पी से क्यू तक है तो डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है और पाथ लेंथ सेम होगा ओके अगर पाथ लेंथ यहाँ से लेके कर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है और यही पाथ लेंथ है ओके तो तो ये सेम होगा अगर पाथ लेंथ ये सब है ये पी बी ई एफ या पी ए बी सी क्यू तो डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ लेंथ से कम होगा ओके okay. सो so अभी डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डिरेक्शन ओके फिगर शोज टू इक्वल वेक्टर्स जैसे अभी ओ पी ए वेक्टर है ओ पी है ये ए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है क्यू एस ओके सो so, ये इस वेक्टर का भी जो लेंथ है इसका भी लेंथ सेम है तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है और इसका डिरेक्शन भी सेम है तो ये दो ए और बी इक्वल वेक्टर्स है टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डिरेक्शन फिगर शोज टू इक्वल वेक्टर्स ए एंड बी ओके वी कैन ईजीली चेक देयर इक्वालिटी शिफ्ट बी पैराल टू इट्स सेल्फ आंटिल इट्स टेल क्यू कोसाइड्स विथ दैट ऑफ ए अभी हम इसको इक्वालिटी कैसे चेक करेंगे अगर क्यू को इसको हम थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो क्यू को ये इसका जो लास्ट लास्ट टेल है ये क्यू है इसका टेल है ओ अगर इसके साथ इसको कोंनसाइट करेंगे सो अगर देखेंगे तो इसमें ये जो एस पॉइंट है इसका हेट ये पी के साथ कोसाइड कर जाएगा सो यहाँ से हम पता से, आ, बोल सकते हैं कि ये दो वेक्टर इक्वल है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा फिर डिरेक्शन भी सेम होगा सो वी कैन इजिली चेक देयर आर इक्विलिटी शिफ्टिंग शिफ्ट बी पैराल टू इट्स सेल्फ इट्स टेल क्यू कोइंसाइड्स विथ दैट ऑफ ए ए दैट इज क्यू कोइंसाइड्स विथ ओ देन सिंस दे आर टिप्स एस एंड पी ऑल्सो ये टिब्बी कोइनसाइड कर गया द टू वेक्टर्स आर सी टू बी इक्वल सो ये इक्वल equal है इक्वलिटी इज इंडिकेटेड नाउ ए प्राइम एंड बी प्राइम आर एन अदर टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल एज दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट देयर डिरेक्शंस आर नॉट सेम ए और बी प्राइम ए प्राइम और बी प्राइम सेम वेक्टर नहीं है इक्वल वेक्टर नहीं है इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ से लेके इसका जो लेंथ है और यहाँ से लेके इसका लेंथ है इक्वल है मतलब पी प्राइम ओ प्राइम और एस प्राइम क्यू प्राइम इक्वल है ओके इसका लेंथ सेम सेमान इक्वल है मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसका डिरेक्शन सेम नहीं है ये इस तरफ है ये इस तरफ है तो डिरेक्शन सेम नहीं है डिरेक्शन ए प्राइम और बी प्राइम ये दोनों वेक्टर में अलग है तो ये कैसे पता चलेगा अगर इसकी क्यू प्राइम को अगर हम ओ प्राइम के साथ कोइंसाइड करेंगे तो तब देखा जाएगा एस प्राइम पी प्राइम के साथ कोइंसाइड नहीं होगा ओके ये अगर कोइंसाइड करेंगे तो ये थोड़ा ऐसे होगा सो so इसका डी ये दोनों वेक्टर का डिरेक्शन अलग है सो दे आर नॉट इक्वल अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स सो मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर विथ ए पॉजिटिव नंबर्स सपोज लैम्डा गिव्स ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चेंज बाई द फैक्टर लैमडा बट द डरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए सो अगर हम किसी नंबर से एक वेक्टर को सपोज ये वेक्टर ये एक्चुअली बोल्ड में होगा ठीक है ओके इस वेक्टर को भेक्टर ए को अगर किसी नंबर से पॉजिटिव नंबर जैसे लैमडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद भी जो हमें एक वैक्टर ही मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद भी गिवसे वेक्टर हुस मैग्नीट्यूड इज चेंज बाई द फैक्टर लैमडा बट द डेक्शन मैग्नीट्यूड तो चेंज होएगा, तो वो हो जाएगा लैमडा ए ओके बट द डन इज इज सेम एज़ दैट ऑफ ए सो इसका जो फिर मल्टीप्लीकेशन के बाद जो वेक्टर मिलेगा उसका डिरेक्शन भी जो पहले वेक्टर था मल्टीप्लीकेशन पहले ए इसके डिरेक्शन का सेम रहेगा ओके okay. सो so, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे लैमडा ए ओके okay, ये बाहर आया लैमडा ए ये होगा ओके फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं इफ़ ए इज मल्टीप्लाइड बाई टू अगर इसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे देन द रिजल्ट वेक्टर टू ए इज इन द सेम डिरेक्शन एज ए सो अभी रिजल्ट एंड भेक्टर का मैग्निफिकेशन ये होगा सो so अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा से तो लैम्डा का टू हुआ तो ये होगा टू ए तो ये एक्चुअली होगा टू और इसका मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड अगर ए का मैग्नीट्यूड सपोज थ्री है ओके ए वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड अगर थ्री है सो ये होगा थ्री इंटू थ्री इंटू टू न टू इंटू थ्री इसका वैल्यू सपोज़ टू है लैम्डा का वैल्यू टू है ए का वैल्यू थ्री है तो टू इंटू थ्री सो यहाँ पे टू बाहर आएगा और इसका मैग्नीट्यूड सपोज़ थ्री है ओके सो टू इंटू थ्री सो ये सिक्स होगा ओके और फाइनली इसका जो डायरेक्शन होगा इस वेक्टर का ए जो फाइनल वेक्टर हो होगा उसका जो डिरेक्शन होगा उसका भी डिरेक्शन और पहले ए का डिरेक्शन सेम होगा सेम डायरेक्शन एज मैग्नीट्यूड ऑफ द टू आइस ऑफ द अच्छा जैसे ये होगा ये ए वेक्टर है ये टू ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया ओके okay, टू से मल्टीप्लाई करने से सो so, अगर माइनस वन से हम मल्टीप्लाई करते हैं सपोज माइनस वन सो ये ए वेक्टर है अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा तो इसका डी इसमें माइनस वन मल्टीप्लाई हुआ ओके तो माइनस मतलब उसका डिरेक्शन भी अपोजिट हो गया ओके अगर माइनस वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे इसको ए को सो so ये हो जाएगा माइनस वन पॉइंट फाइव ए सो so, इसका एक्चुअली डिरेक्शन ऑपोजिट हो गया कि okay? इस माइनस के नेगेटिव साइन के वजह से ये इसका जो साइन डिरेक्शन है इसका डिरेक्शन ऑपोजिट है क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन आ गया ओके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड सो एडिशन कैसे करेंगे ये एक वेक्टर है ए ये एक वेक्टर है बी इसको अगर हम एडिशन करना चाहते हैं तो इस इस वेक्टर का जो ये है टेल ये है हेट इस टेल को हम इस वेक्टर का हेट के पास लाते हैं ओके कोइंसाइड करेंगे इस टेल को इस ए वेक्टर का हेट के पास सो ये ए तब ये ये हो जाएगा ए तो ये ये ए है तो ये ए वेक्टर है ये बी है तो ये बी वेक्टर है ओके सो इसका टेल और ए का बी का टेल और ए का हेड कोइंसाइड किया सो so, अभी हम क्या करेंगे जो ए का टेल है और बी का हेड है इसको हम ऐसे कनेक्ट कनेक्ट कर देंगे सो so, अभी ये हो जाएगा इसका डिरेक्शन ओके सो अभी जो ये वेक्टर मिलेगा सो so ये एडिशन अगर सपोज हम ए और बी को एडिशन करना चाहते हैं तो एडिशन करके क्या मिलेगा तो ये जो वेक्टर मिला ओके okay, ये है ओ क्यू ओ क्यू मतलब नया वेक्टर है इसको आर सपोज ये आर है ओके सो इस ये आर इक्वल टू ए प्लस बी सो so, ये नया भेक्टर है आर जो है ए प्लस बी सो so, ए और बी भी भेक्टर को एडिशन करके हमें ये नया भेक्टर मिला है अभी अगर हम सपोज पहले क्या किया था बी को बी का टेल को ए का हेड के साथ कोइनसेट किया ओके फर्स्ट केस में बी का टेल को ए के हेड के साथ कोइंसाइड किया so, ऐसे हुआ बी ऐसे था A, ऐसे था बी सो फाइनली जो ए, 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 एडिशन करके अगर ए और भी को एडिशन करते हैं तो फाइनली एडिशन के बाद जो वेक्टर मिलता है वो है आर सो आर इक्वल टू ए प्लस बी अभी अगर हम बी को इसके जगह रख के ए को ए का टेल को बी का हेड के साथ कोइंसाइड करेंगे ओके okay, अभी हम क्या ए का टेल को बी का हेट के साथ कोइन साइड तो ए को शिफ्ट किया और यहाँ पे रखा तो ये ए हो गया सो so बी उसके जगह ही है ए को शिफ्ट करके यहाँ पे लाए ओके okay, ए का टेल को ये बी बी जैसे था को ए का टेल को बी के हेट के पास ला के सो so ये हो जाएगा ए बी ओके सो फाइनली जो ए बी और ऐड करके मिलेगा अभी ये मिल जाएगा आर इक्वल टू बी प्लस ए ओके सो पहले था ए प्लस बी अभी मिल गया बी प्लस ए ओके ये है ए और बी और ए को एडिशन करके मिला आर आर है बी प्लस ए सिंस इन दिस प्रोसीज्यर ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर्स आर एरेंज हेड टू टेल दिस ग्राफिकल मेथड इज कॉल्ड द हेड टू टेल मेथड सो इस मेथड को हेड टू टेल मेथड्स बोला जाता है द टू वेक्टर्स एंड दे आर रेजल्टेंट फॉर्म थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ओके टू वेक्टर्स और ये है एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर उसीलिए आर रिप्रेजेंट किया गया आर से द टू वेक्टर्स एंड दे आर रेजल्टेंट फॉर्म थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राएंगल सो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द ट्राएंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन सो ये एडिशन किया गया ए बी को पहले ए बी को और फिर बाद में बी ए को ओके okay, सो so ये मेथड को बोला गया ट्राइंगल मेथड ऑफ़ वेक्टर एडिशन इफ वी फाइंड द रिजल्टेंट्स ऑफ बी प्लस ए द सेम वेक्टर आर इज ऑब्टेंड तो पहले ऐड किया गया ए प्लस बी सो हमें मिला आर मिला हे आर मिला ए प्लस बी दूसरे बार बी के साथ ए ऐड किया तो हमें मिला बी प्लस ए इफ वी फाइंड द रिजल्टेंट्स ऑफ बी प्लस ए सो पहले केस में आया था ए प्लस बी फिर आया बी प्लस ए सो दोनों केस में आर आया ओके द सेम वेक्टर आर इज ऑप्टेड सो पहले केस में हमने यहां पे मिला था आर इकल टू ए प्लस बी ओके इसमें हमने क्या किया था बी को शिफ्ट किया बी का टेल को शिफ्ट किया ए के हेड में कोइनसाइट किया फिर हमें मिला आर इकल टू ए प्लस बी लेकिन दूसरे केस में हमने ए को शिफ्ट किया ए के टेल को बी का हेड के साथ कोइनसाइट किया सो so हमें मिला आर इकल टू बी प्लस ए